अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। कोई भी हिंदू जो इस्लाम के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है, मोदी जी बोल रहे हैं, 2005 में बोल रहे हैं। कोई भी हिंदू जो इस्लाम के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है, क्यों नहीं सुनी थी ये हम सब ने पहले? हम सब तक ये बात नहीं आई थी भाई, एक बार और सुनिए। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। और इस्लाम जो है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के सिवा जो भी है वो काफिर है, काफिर वाजिब कतल है, उसकी औरतें माले गनीमत है। जय सियाराम, हरिओम हरिओम। जब आप मतदान करते हैं, वोट देते हैं और आपको ये निर्णय करने में गलती होती है कि या आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन देश के लिए घातक है और कौन देश के लिए समर्पित है और आप वोट कर देते हैं, तो इसके बाद जो स्थिति बनती है वो ये बनती है जो बंटवारे के बाद में भारत की स्थिति बनी, बनती आ रही है, आज भी बनी हुई है। ये मेवात में, ये नू में जो 3 किलोमीटर लंबा जो कि स्ट्रेस था, वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ थीं जला दी, औरतों को जो है एक मंदिर में कैद कर दिया, गोलियाँ चलीं सॉफ्टिकेटेड AK-47 वाली गोलियाँ चलीं और एक एक साल डेढ़ डेढ़ साल के बच्चों को किसी तरह लोगों ने बचाया, आर्मी को आना पड़ा और वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा। हरियाणा के मेवात के नू में ये सब जो चीज़ें हुई, इससे पहले दिल्ली में जो दंगे हुए थे, इससे पहले कश्मीर से जो नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का, जो मैतेई मणिपुर में हो रहा है, इस सब के पीछे एक ही कारण है कि जो बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनी व्यवस्था वाली सत्ता का देश होना चाहिए, जो वोट देने वाले लोग थे उन्होंने इस बात को नहीं समझा, और जब समझा भी तो वो ये नहीं समझ पाए कि जिसको हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के लिए हम वोट दे रहे हैं वो घातक है या समर्पित है। वो कंफ्यूजन में रह गए और आज दिख रहा है कि राष्ट्र की सत्ता का संचालन जो कर रहा है वो घातक है, हिंदू सनातनियों के लिए घातक है। हमने अपने बच्चा बचाया 1.5 साल का, मैंने अपने बच्चा बचाया, बच्चा जो मेवात के अंदर दवा के पत्थर चल रहे हैं और गाड़ियां जला दी गई हैं। अब संविधान कहाँ गया? अरे कहाँ गया संविधान? तुम्हारा वो कश्मीर वाला संविधान है मैडम, यहाँ पर मेवात में कश्मीर वाला संविधान। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर। हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है, वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसको ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। मोदी जी पसमंदा मुसलमानों के लिए योजनाएं बना के ला रहे हैं, पसमंदा मुसलमान की बात क्यों करते हैं? वो सीधा मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? मतलब ये डिफ्रेंशिएट क्यों किया उन्होंने? जितने भी फुट सोल्जर्स हैं, जो भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो भी आगजनी कर रहे हैं, जो भी अल्लाह अकबर के नारे लगा कर हत्या कर रहे हैं, सरतन से जुदा कर रहे हैं, वो क्या पसमंदा मुसलमान नहीं है? ये कौन कहेगा? एंड इट रिमाइंड्स अस दैट व्हेन वी थिंक ऑफ द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, नन स्टैंड फॉर फोर्स एंड वायलेंस। इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक है और अल्लाह के 99 नामों में से कोई भी नाम जो हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि राम और रहीम जैसे जो नाम है वो करुणा और दया के प्रतीक हैं। मोदी जी की सुन लो, मेवात में दया चल रहा है, करुणा चल रहा है, हिंसा नहीं चल रही है, शांति चल रहा है। गौ भक्त अलग है,
गौ सेवक अलग है, गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। अरे इससे इससे ज्यादा कोई बबल गम थूक फेंकता है? हैं? जो गौ भक्त है वो गौ सेवक नहीं है, गौ सेवक है वो गौ भक्त नहीं है क्या? मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं, मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयं से भी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वो मोनू मानेसर आने वाला था, इसीलिए इन मुल्लाओं ने, मलेच्छों ने इतनी बड़ी हत्या का तांडव कर दिया और हंगामा मचा दिया, उपद्रव मचा दिया। आपको पता है ये मोनू जो है, मानेसर जो है, जिसको लेकर के मोदी जी ने कह दिया गौरक्षक गुंडे हैं, वो है क्या? जरा सा देख लीजिए, ये आदमी गौरक्षक है, गौरक्षा के लिए अपनी जान दिया है, और ये बजरंग दल का सदस्य है और पूरी जिंदगी समर्पित किया हुआ है। इस तरीके से ये पकड़ता है गौरक्षकों को, और सरकार इसका साथ देती है क्योंकि जो हिंदू हैं, हिंदुत्व हैं और हिंदूवादी चेहरा लेकर के हैं और कानून बना हुआ है ना, जो गौ तस्कर है उसको पकड़ने का, तो ये ऐसा करता रहा है। और ये फिर ये जो तृप्तिकरण के लिए जो राजनीति चल पड़ी है मोदी एंड कंपनी की, उसको सूट नहीं करता है, तो बकवास हो रहा है। यही मोदी मानेसर है। दो गाड़ियाँ पकड़ी है, भयंकर मुठभेड़ के बाद पकड़ी है। एक ट्रक वाले ने तो सीधा फायर किया था, जिससे हम और सी एस स्टाफ बाल बाल बच गया। मोदी जी को गौ भक्त समझ के वोट दिया था और उम्मीद कर रहे थे कि देश से गौ हत्या बंद हो जाएगी, है ना? दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर वन है। आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उसमें से एक विचार बना हो। मोदी है, ज़्यादा गाय जो है ना प्लास्टिक खाने से मरती है, इसलिए आप गाय को प्लास्टिक खाने से बचाओ, उसको जिंदा रखो, जिससे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काटी जाए, उनका एक्सपोर्ट हो सके। मोदी जी को उम्मीद है कि मुसलमान इन्हें वोट दे देंगे। अरे हिंदुओं का इतना वोट, अपार वोट, अपार मेजोरिटी से आज संसद में जाने के बाद मुस्लिमों के वोट के पीछे पड़ के देश का सत्यानाश कर दिया, अपनी कंडीशनिंग कर ली है। ऐसी कंडीशनिंग हम कहते हैं, शायद हो सकता है उस 2005 से ही कहते आ रहे हैं इस्लाम के बारे में कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो हिंदू है ही नहीं। खैर, वर्तमान में जो राजनीति की सत्ता की व्यवस्था है उसमें हिंदू सनातनियों के लिए कुछ है ऐसा नहीं दिख रहा है, कोई है ऐसा नहीं दिख रहा है। एक एकम सनातन दल भारत आया है, लेकिन वो अभी बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में काम कर रहा है, और 2024 तक वो आ पाएगा तो ईश्वर का चमत्कार ही होगा। फिलहाल हम सब ऐसा कर सकते हैं कि रियलाइज कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, अपने घर को मजबूती दे सकते हैं, हर घर को गुरुकुल बनाकर रह सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को हिंदू सत्ता की व्यवस्था वो पाने के लिए संघर्षरत हों, इसके लिए तैयार कर सकते हैं, उन्हें संस्कारित कर सकते हैं। चलिए हम सब साथ रहें, साथ मिलें और अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हिंदू सनातनियों के लिए एक समर्पित छोटा सा यूट्यूब चैनल है, शायद नकारखाने में तूती की आवाज़ है, जिसमें आपकी आवाज़ मिलते ही ये बड़ी 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 होती चली जाएगी, और इसका बड़ा होना हम सब का हिंदू सनातनी संस्था के प्रति समर्पित होना ही होगा। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।